ग्रामीण अधिवास। इस अधिवास में अधिकतर किसान निवास करते हैं। इनका मुख्य कार्य कृषि से संबंधित होता है, किंतु स्थानीय कारीगर जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, नाई, धोबी, जुलाहे आदि सार्वजनिक कार्य करते हैं। कृषि प्रधान अधिवास में मुख्य बसाहट से हटकर कुछ घरों के समूह होते हैं, जिन्हें पुरवा, टोला, पारा आदि नामों से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में पारा, डीह, मजरा के नामों का प्रचलन है। इन गांवों में अनेक सामाजिक सुविधाएं सुलभ रहती हैं, जैसे सार्वजनिक कुआं, तालाब, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, पंचायत, डाकघर, चिकित्सालय, क्रय विक्रय केंद्र, पुलिस थाना आदि। भारत में ग्रामीण अधिवासों के निम्न प्रकार मिलते हैं। पहला, सघन अधिवास। दूसरा, विखंडित अधिवास। तीसरा, पल्ली पुरवा अधिवास। चौथा, प्रकीर्ण अथवा बिखरे अधिवास। पहला, सघन अधिवास। इन अधिवासों में मकान पास पास व सट कर बने होते हैं, इसलिए ऐसे अधिवासों में सारे अधिवास किसी एक केंद्रीय स्थल पर संकेंद्रित हो जाते हैं। यह आवासीय क्षेत्र खेतों व चारागाहों से दूर होते हैं। इन आवासों का वितरण उत्तर गंगा, सिंधु का मैदान, ओडिशा तट, कर्नाटक के मैदानी क्षेत्र, असम, त्रिपुरा के निचले क्षेत्र तथा शिवालिक घाटी में मिलते हैं। राजस्थान में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने हेतु इस प्रकार के अधिवास होते हैं। दूसरा, विखंडित अधिवास। ऐसे अधिवास में केंद्र में सघन बसाहट होती है। इसके चारों ओर पल्ली, पुरवा, बिखरे हुए बसे होते हैं। ऐसे अधिवास मणिपुर में नदियों के सहारे मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट तथा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मिलते हैं। तीसरा, पल्ली पुरवा अधिवास। इस प्रकार के अधिवास कई छोटी इकाइयों में बिखरे रूप में बसे रहते हैं। सामान्यतः सामाजिक व जातीय कारकों द्वारा ऐसे आवास प्रभावित होते हैं। स्थानीय तौर पर इन्हें पल्ली, पारा, पुरवा, मोहल्ला, घानी आदि कहते हैं। इस प्रकार के अधिवास पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटीय मैदानों में पाए जाते हैं। चौथा, प्रकीर्ण या बिखरे अधिवास। इन अधिवासों को एकाकी अधिवास भी कहते हैं। इन अधिवासों की इकाइयां छोटी छोटी व घरों का समूह होता है। इनकी संख्या 2 से 60 हो सकती है। ऐसे अधिवास एक बड़े क्षेत्र में बिखरे होते हैं। छोटा नागपुर का पठार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि में ऐसे अधिवास मिलते हैं जो जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र हैं। ग्रामीण अधिवास विभिन्न प्रतिरूपों में देखे जाते हैं। पहला, रेखीय प्रतिरूप। इस प्रकार के प्रतिरूप बहुधा मुख्य मार्गों, रेल मार्गों, नदियों के किनारे मिलते हैं। दूसरा, आयताकार प्रतिरूप। कृषि जोतों के चारों ओर ऐसे प्रतिरूप विकसित होते हैं। सड़कें आयताकार होती हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे अधिवास मिलते हैं। तीसरा, वर्गाकार प्रतिरूप। ऐसे अधिवास मुख्यतः पगडंडियों व सड़कों के मिलन स्थल से संबद्ध होते हैं। ऐसे अधिवासों का संबंध का विस्तार कभी कभी गांवों में उपलब्ध चौकोर वर्गाकार क्षेत्र में ही करने की बाध्यता से होता है। चौथा, वृत्ताकार प्रतिरूप। ऐसे प्रतिरूप के अधिवास में सघन आबादी के कारण आवासीय इकाइयां बहुत अधिक सटकर बसी रहती हैं। मकानों की बाहरी दीवारें आपस में सटी होने से यह एक श्रृंखलाबद्ध सघन इकाई जैसा लगता है। यमुना के ऊपरी भाग, मालवा क्षेत्र, पंजाब, गुजरात राज्य में ऐसे अधिवास के प्रतिरूप मिलते हैं। पांचवा, अरीय त्रिज्या प्रतिरूप। इस प्रकार के प्रतिरूप में सड़कें या गलियां किसी केंद्रीय स्थान जैसे जल स्रोत, मंदिर, मस्जिद, व्यवसायिक उन्मुख होती हैं। गुरु शिखर के पास माउंट आबू राजस्थान, विंध्याचल मंदिर उत्तर प्रदेश उसके प्रमुख उदाहरण हैं।